राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने शिमला में 24वां स्थापना दिवस मनाया। संघ की स्थापना 1998 में हुई थी। संघ की स्थापना दिवस के साथ ही कार्य समिति की बैठक में मांगों को लेकर आगामी रूपरेखा तैयार की गई। विभाग में 6,000 के करीब विद्युत कर्मचारियों के पद खाली है, जिसे सरकार से जल्द भरने की मांग उठाई गई है। विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र संधू ने कहा कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है, जिससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। प्रदेश में बारिश बर्फबारी में विद्युत लाइन प्रभावित होती है। एक कर्मचारी को 25 ट्रांसफार्मर की जिम्मेदारी रहती है। लंबे समय से सर्विस कमेटी नहीं हुई है। कमेटी में कर्मचारियों के भर्ती और भर्ती के मसले लंबित पड़े हैं। 2 सालों से भर्ती प्रक्रिया लंबित है, जिससे विद्युत विभाग में 6,000 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने सरकार और प्रबंधन से कर्मचारियों को मांगों को पूरा करने की मांग की है। हमारी जो ये बैठक शिमला में आयोजित हो रही है, ये आज ही के दिन 1998 में जो हमारा ये तकनीकी कर्मचारी संघ है, इसका गठन किया गया था और आज हम स्थापना दिवस भी मना रहे हैं और प्रदेश की कार्य समिति भी इसके उपलक्ष्य में जो है प्रदेश की कार्य समिति का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों की मांगों और उनके जो सर्विस के रख रखाव के बारे में भी सभी बिंदुओं पर जो है चर्चा की जाएगी। हमारा विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ जो है वो एक ऐसा प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में जो है बिजली उपभोक्ताओं की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन जो तकनीकी कर्मचारी है वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति दर जो है दिन पे दिन बढ़ रही है और भर्ती जो है वो ना के बराबर हो रही है। हमारी विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग से अगस्त में वार्ता हुई थी और पिछली जो सरकार थी उसमें भी हमने सरकार के समक्ष ये मुद्दा रखा था कि आज एक एक ट्रांसफार्मर जो है एक एक कर्मचारी के हवाले 25-25 के करीब ट्रांसफार्मर है। हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है ये मैदानी तो नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ मतलब के बर्फबारी तूफान ओलावृष्टि होती रहती है, जिससे कि लाइनों और ट्रांसफार्मरों को नुकसान होता है। दो दो तीन तीन कर्मचारी जो है एक एक सेक्शन में कार्य कर रहे हैं, वो इसको सुचारू रूप से चलाने में जो है दिन रात जो है मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके विद्युत आपूर्ति चालू होती है। तो हमारा सरकार से और वो प्रबंधक वर्ग से एक निवेदन रहेगा कि हमारी सर्विस कमेटी जो है वो अगस्त में हुई थी, उसके बाद जो है 12 अप्रैल की तय हुई थी, लेकिन बोर्ड प्रबंधक वर्ग जो है इस सर्विस कमेटी को आयोजित नहीं करवा पा रहा है। तो क्योंकि सर्विस कमेटी में जो है हमारे कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जिसमें टीममेट से जो है एएलएम की प्रमोशन है और फोरमैन स्पेशल फोरमैन से जो है एसडीओ की और भी कई मुद्दे हैं जो कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। तो हम निवेदन करते हैं सरकार से भी और बोर्ड प्रबंधक के जो 12 अप्रैल की हमारी सर्विस कमेटी थी उसको जो है अब जल्दी से जल्दी जो है आयोजित करवाएं, ताकि हमारे तकनीकी कर्मचारियों का जो रुके हुए कार्य हैं वो हो सके। अगर बात की जाए तकनीकी कर्मचारियों की, तो कम से कम जो है 6,000 जो कर्मचारी है उनकी कमी है आज विद्युत को चलाने के लिए, क्योंकि उपभोक्ताओं के हिसाब से जो है कम से कम 6,000 लोगों की और भर्ती होनी चाहिए, जिसके लिए सर्विस कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है। भर्ती की प्रक्रिया तो चालू है, लेकिन 2 साल से जो है ये प्रक्रिया में ही है, क्योंकि सर्विस कमेटी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से जो है भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को आश्वासन भी दिया था कि वो जल्दी से जल्दी जो है सर्विस कमेटी करवाएंगे और नई भर्ती को जो है हरी झंडी देंगे।